पगड़ी बनना इज इनकन्वीनियंट, इट इज नॉट कन्वीनियंट। दाढ़ी बनना और संभालना इज नॉट कन्वीनियंट। वो कहते हैं कि जी वॉट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग अ बियर्ड। जेड़ा तुहाडा सिख बच्चा हैगा उन्हूं इनकन्वीनियंट चीज नहीं चाहिए। पगड़ी बनन नूं तैयार नहीं है, इस वास्ते असीं उहदे वास्ते टोपियां जिहियां कढ लईआं जिहदे च बाल पिछे बन लो ते पिछे नूं अपना कर लो। और जब तक समस्या नूं समझोगे नहीं उहदा समाधान कढ ही नहीं सकते असीं। आई लव द यूरोपियंस, पर्टिकुलरली द ब्रिटिशर्स, फॉर दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे फाइंड अ सोल्यूशन, एंड अ सोल्यूशन विच इज इंप्लीमेंटेबल। स्थिति सचमुच भयानक हो रही है, चाहे तुहानू पसंद होवे और चाहे पसंद ना होवे। गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इत्थे उपस्थित बड़ू साहब तो दविंदर सिंह जी, जगजीत सिंह दर्दी जी जिन्हां ने यह उपराला किया, होर वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां इत्थे अज उपस्थित ने, सब तो पहला मैं तुहानूं वधाई देना चाहांगा। जिहड़ा तुसीं ये इंटरनेशनल सिख फोरम की शुरुआत कीती और अज उहदी पहली तुहाडी सेलिब्रेशन है। एक चीज़ जरूर कहना चाहवांगा, जिहड़ी संगत अज सामने बैठी है वो तकरीबन 40-45 तो उत्ते वाले ने, और जिन्हां दे बारे च फैसला करदे पए हो वो इत्थे मैनू विच किते बच्चे दिख नहीं रहे। और ये कहना कि अज असी बैठ के उन्हां वास्ते कोई फैसला कर देंगे और वो मन जाणगे, वो वक्त नहीं रहा। मेरी थोड़ी जी आदत हैगी है कि जदों तक सच्ची गल, प्रैक्टिकल गल ना बोली जावे, जदों तक वो खटकेगी नहीं, जदों तक वो रगड़ेगी नहीं, तद तक चमक आ नहीं सकती। इस वास्ते अज मैं तुहाडे सन्मुख वो गल्लां करना चाहवांगा जिहड़ी साडी जिम्मेवारी है साडी उम्र दी, लेकिन जिन्हां नूं बदलना चाह रहे हो उन्हां नूं नाल लओगे तां जिंदगी और साडी कौम अगे वधण वाली एक सही दिशा होएगी। मैं दो तीन समस्यावां देख रहा इस आन वाली कौम दे अंदर जिहड़ी साडी नवीं पनीरी हैगी है, और वो तीनों समस्या डिस्कस करके मैं तुहाडे नाल उहदे बारे च की समाधान हो सकता है उहदे बारे च गल करना चाहवांगा। ज़्यादा समय नहीं लवांगा, इन्नी सियाणप तां जरूर आ गई है कि जिस वेले तुहानूं देख के मैं समझ जावांगा कि मैनूं हुण वापस अपना स्थान लै लेना चाहिए। पर जे तुहानूं पसंद आवे फिर जोर जरूर लगाना है, क्योंकि कहण नूं सिख धर्म ही हैगा वे जिहड़ा कहिंदा है कि 1,25,000 ते एक लड़ाऊं। अगर असीं एक भी फैसला कर लेगा फिर सफलता आएगी। पहली समस्या अज जिहड़ी बच्चियां दे अंदर हैगी है वो है कि सोसाइटी, मैं विचों कॉन्शियसली इंग्लिश च या हिंदी च भी बोलांगा ताकि सारियां नूं गल समझ आ सके, सोसाइटी जिहड़ी हैगी है दैट इज़ नाउ एन अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी, और दूसरा कन्वीनियंस डोमीनेटिड सोसाइटी है। साडे जमाने च जदों असी सीगे बच्चे एक कन्वीनियंस डोमीनेटिड नहीं सीगी। कन्वीनियंस किवें है, सानू हर काम वास्ते उठ के खुद करना पैंदा सीगा, लेकिन जेड़े ये बच्चे हैगे ने इन्हां नूं तुसीं आरामदाई जिंदगी दे दित्ती, हर चीज़ का रिमोट बना दिता, टीवी चलाना है इत्थों कर लो, पखा चलाना है इत्थों चला लो, एसी चलाना है इत्थों चला लो, जदों बंद करना है इत्थों बंद कर लो,
और हुण असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर माइसेल्फ असी उन्हां दे अंदर ये टैक्नीक्स दे रहे हैं कि सिस्टम रात नूं पढ़ लवे और ऑटोमैटिकली बंद हो जाए. गुड, इट इज़ वेरी गुड. लेकिन जिहड़ी ये कन्वीनियंस सीगी ये चलाई तां सीगी असी मटीरियल दुनिया तो आ गई उन्हां दे कौम दे उत्ते. पगड़ी बनना इज़ इनकनवीनियंट, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट. दाढ़ी बनना और संभालना इज नॉट कन्वीनियंट. दीज आर इशूज ऑफ इनकनवीनियंस. और वो कहते ने मेरा भी बेटा अज 21 साल तो वड्डा वे, बेटी 18 तो वड्डी है, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस. मेरी उन्होंने जदों भी गल होंदी है वो कहते हैं कि जी वट इज़ द परपज ऑफ कीपिंग अ बीयर्ड. हर बंदा अज लॉजिक लगा तैयार है. तुम सारे मेरे सामने बैठे हो, जिहड़ी गल कह रहे हो अगर वो गलत हो मैनू जरूर टोकना, हाथ खड़ा कर देना कि जी तुम गलत कह रहे हो. और जब तक समस्या नू समझोगे नहीं उहदा समाधान कढ ही नहीं सकते असीं. एंड दिस इज वन रीजन आई लव द यूरोपियंस, पर्टिकुलरली द ब्रिटिशर्स, फॉर दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे फाइंड अ सोल्यूशन एंड अ सोल्यूशन विच इज इंप्लीमेंटेबल, लागू हो सकता है. मैनू एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़ी अच्छी गल कही सी. कहिंदा चावला साहब मैं तुहाडियां डिस्कशंस देखियां, ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही वॉज अ क्रिश्चियन, कोई दुनिया च फर्क नहीं पै रहा कि तुसी क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो. वर्ल्ड इज नॉट नो लोंगर वेरी कीन ऑन दिस. दे आर कीन ऑन हु इज एडवांसिंग, अगे कौन जा रहा है. बी इट कंप्यूटर इंडस्ट्री जिन्हें डोमिनेट कर लिया, बी इट मेडिकल प्रोफेशन, बी इट एनीथिंग. लेकिन जेड़ा तुहाडा सिख बच्चा हैगा उहनू इनकनवीनियंट चीज़ नहीं चाहिए. पगड़ी बनने नू तैयार नहीं है, इस वास्ते असी उहदे वास्ते टोपियां जिहियां कढ लईआं जिहदे च बाल पिछे बन लो ते पिछे नू अपना कर लो, दाढ़ियां नू ट्रिम कर लो. कन्वीनियंस है. समाधान की है? मेरे बच्चियां ने मैनू पुछया कि सानू सिख धर्म ने ऐसा की दिता कि असी उस इनकनवीनियंस नू लैणा चाहिए. अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. आई एम बेस्ड इन चंडीगढ़. जदों बच्चे मेरे तैयारी कर रहे सी मैनू एक मौका मिलिया इंटरैक्ट करन दा, जिहड़े बच्चे सक्सैसफुल हो रहे ने, चाहे इंजीनियरिंग च जा रहे ने, मेडिसिन च जा रहे ने, लॉ च जा रहे ने, मैनेजमेंट स्कूल च जा रहे ने, लेट अस पिक सोल्यूशन की है. क्या तुसी जिवें पन्नू ने कहा कि भाई जिहड़े अपने धर्म के प्रति वफादार ने, जिहड़े धर्म नू पूरा निभाना जानते ने, वो बच्चियां नू असी क्या सम्मान नहीं दे सकते हर साल? क्या साडे देश दे 15 बच्चियां नू, 20 बच्चियां नू पैसे दी कोई घाट है? बिल्कुल नहीं है. मैनू लगदा साडी सोच दी घाट है. एक विजन चाहिए हैगी है, जेड़े बच्चे IIT च टॉप 100 रैंक च आणगे और संपूर्ण सिख होणगे, उहनां दे आण जाण दा और उहनां नू अमृतसर बुला के उन्हां नू सन्मान दिता जाएगा. साल च एक बारी फंक्शन करना, होरां नू पता नहीं किन्नियां नू असीं सन्मान दे दिंदे आ, इररिस्पेक्टिव ऑफ के चाहे वह ब्यूरोक्रेसी दे होण. हो सकदा है कि मैं काबिल ना होवां लेकिन सम्मान मिल जाएगा क्योंकि मैं अज इस पद ते या उहदे ते बैठा. मैं कहना तुसीं उस नवीं पीढ़ी नू क्यों नहीं इनसेंटिव दिंदे हो? लैट अस कॉल दैम, लैट अस रिस्पैक्ट दैम, बिकॉज आने वाला कल तुहाडा वो हैगा. असी सारे हुण बीते हुए कल हैगे. लेट अस पिक अप 15-20 स्टूडेंट्स. मेरी औकात 100 रुपए की हैगी है, मैं उहदे चों भी 70-75 दा रोटी खवा देंगा गरीबां नूं. मेरी औकात वधा दे मैं होर वड्डा कर देंगा. सो स्टार्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, सोच की प्रॉब्लम है कि इहनूं असी क्यों नहीं शुरू कर सकते. असी कोई चार प्रोफेशंस चक लईए जेड़े लोग रैंकिंग सिस्टम्स बन चुके ने कंट्री दे अंदर, वर्ल्ड दे अंदर. लेट अस पिक कि जी 100 रैंक अगर नीट दे अंदर आएगा और संपूर्ण सिख होएगा, चाहे मुंडा होवे चाहे कुड़ी होवे, असी उन्हूं साल च एक फंक्शन करांगे जदों अमृतसर बुलावांगे, आन जान दा खर्चा देवांगे और उन्हूं सम्मान देवांगे. उह जिंदगी भर याद रखेगा मैनू उत्थे सम्मान दिता गया सी.
ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਬਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 6 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 6 ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਛਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਗੜ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰਗੜ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਦ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕੈਡਮੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 140 ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ IPS ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਸਟੈਪਸ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ IAS IPS, ਨੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ 3 ਫੀਲਡਸ। 1 ਪੋਲੀਟਿਕਸ, 2 ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, 3 ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਾੜਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ, ਮਿਹਨਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਗੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ
वर्ल्ड ओवर मैं यूएन मिशन च गया सी साल वास्ते, कई लोग मैनू मुसलमान सोचते सी और मैनू सलाम अलैकुम भी कहते सी। इट वॉज अ पाकिस्तानी डोमिनेटेड, पाकिस्तानी वर्सिज क्रिश्चियन, जिथे यूएन ने अपना पीस कीपिंग मिशन खोलिया। द क्रिश्चियंस वुड ऑल्सो लव मी, आदतां अच्छियां ने वन, क्योंकि धर्म नू अगर असी सही मनीए तो सानू शराब नहीं पीनी चाहिए। करो ना करो वह वक्री गल है, हर एक ने अपने जवाब रब नू आप देना है। बीड़ी सिगरेट तो परहेज है, परमात्मा का शुक्र रहा। देखो लागू करन च हर एक दी अपनी है, लेकिन मैं आज भी ये कह सकता मैं बचपन तो लैके अज तक शराब नू चखिया भी नहीं, एक बूंद भी नहीं चखी मैं। और जदों भी मैनू कोई पुछदा कि भाई साहब पहला तुसी सरदार हो, ध्यान रखना ऑल इंडिया लैवल ते जदों तुसी जांदे हो तुहाडी पहली पहचान एज अ सरदार है कि तू शराब पीना चाहिए यार तैनूं, एक्सैप्ट कर लो इस गल नूं। एंड मैं 100% कहना जिहड़े तुसी बैठे हो तुसी एग्री करोगे ये सच है। और अगर ये सच है और असी सच इस तो उल्टा चाहते हैं तो फिर की किया जाए कि यह सच बदल जाए। असी अपने मां बाप के कहन के उत्ते कई चीज़ां लागू करन नूं तैयार हाँ, लेकिन आन वाली पीढ़ी नहीं है जी, वो चैलेंज करती है क्योंकि एक सिस्टम साइंस ग्रोथ हुई वर्ल्ड ओवर हुई, दे वॉन्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग। एंड इफ यू डोंट हैव द आंसर मीयरली सेइंग कि मैं तेरे तो वड्डा वा इस वास्ते एक गल मान लै, नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एंड पर्टिकुलरली जिथे बच्चे सियाने ने जेडे टॉपर ने वो बच्चे रिएक्ट करते ने इस चीज़ नू। अगर उन्होंने असी काबू करना वी नीड टू गिव दैम रीजन, वी नीड टू गिव दैम समथिंग विद विच दे एसोसिएट विद द रिलीजन। सो किरत करो, नाम जपो। नाम जपो च एक छोटा जिहा सोल्यूशन है जिहड़ा मैं अपनी वाइफ नूं भी कहना कि मेरे को समा थोड़ा घट रह जाता है तो मैं इन्हूं कहा इन्हें बच्चे पढ़ाए, दोनों बच्चों नूं बहुत अगे पहुँचाया। मैं कहा यार जीवन जिन्ना बचे है ना ये एक छोटा जिहा काम होर कर दे। जिहड़े लोग ये सोचते ने भी यह पूरी किताब अज दे बच्चे पढ़ लैणगे, मैं तुहानूं गरंटी दे देना जे तुहाडे विचों किसी का एक बच्चा भी पढ़ ले नहीं पढ़ेगा। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और मैनू ये इन्फ्लुएंस होया फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक थिंकर सीगा, उन्होंने कहा जी ये पॉजिटिव थिंकर है, मैं सुनन बह गया। मैं कहा चलो देखते हैं की कहिंदा, बिकॉज जनरली वी फील कि असी तो बहुत सियाने हैं सानू कोई समझा ही नहीं सकता। उन्हें वो गल की जिन्ने मेरे दिमाग नू उस दिन बदलता, तो पिछले तकरीबन ये ला लो जी 4-5 साल तो मैं वापस मुड़ के ही नहीं देखा उस गल नू। उन्हें कहा कि तुसीं ये सोच रहे हो कि मोबाइल आ गया, बच्चे मोबाइल ते लगे ने, सारे लगे ने, किते पब्लिक स्पेस बैठे होणगे ऐं लगे होए ने, सही कह रहे हैं जी। वो कहिंदा तुसीं सोचदे हो भी इहनूं ठीक कर देंगे तो बच्चे फिर वापस आ जाएंगे, है किसी नूं उम्मीद? मैं 5 साल पुरानी गल कर रहा, किते नहीं वापस आएंगे। दिस इज अ रियलिटी। इफ दिस इज अ रियलिटी नाउ प्लीज सी हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस रियलिटी टू द एडवांटेज ऑफ द रिलीजन। कौम दे वास्ते की कर सकते हो, बड़ी छोटी जी चीज़ है, बड़ा छोटा जिहा समाधान है लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल समाधान है। लोगों को 2 या 3 मिनट तो ज्यादा का टाइम ही नहीं है, और ये बच्चों को बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज कही सी ध्यान रखना, तुसी और मैं बीते हुए कल ना अपनी गल ना करया करो, आन वाले कल नू देखो, क्योंकि कौम या समाज के अंदर वो की करनगे उतों फर्क पेगा, साडे नाल उना फर्क नहीं पै सकेगा। वी नीड स्मॉल वीडियोज, स्मॉल ऑडियोज ऑफ रियलिटी। सिख धर्म ने जो भी उपलब्धियां ने, जंगा जितियां, धर्म के अच्छे काम किते, सानू तां
जो साड़ी दादी सुना देंदी सी साखियां सुनांदी सी उत्थों समझ गए ना अज वो दादियां रहियां जी और ना ही वो पोते पोतियां ते दोते दोतियां रहियां जी। अगर तुसी सोचते हो कि वो समा फिर वापिस आ जाएगा नहीं आएगा, वो पोते पोती नू मोबाइल तो टाइम ही नहीं हैगा, की करेगा दादी को लाके, दादी ने पुरानियां गल्लां सुनानियां ने, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तुसी सोच रहे हो वक्त वापिस आएगा नहीं, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड परमानेंटली। वॉट ऑप्शन यू हैव इज, अगर तुहाडे अंदर स्किल है, हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई खासियत हैगी है, तुसी कोई भी इतिहासिक चीजां दी बना लो, उन्हों चाहे एक सिख फोरम तुसी अज खोलिया उहदी साइट बना के असी ये कह दईए भी जो इहदे उत्ते आएगा टेलीकास्ट होएगा वह सच होएगा। और वो क्रेडिबिलिटी अगर साल दो तीन दे अंदर बन गई, तुसी देखना लोग यूट्यूब तो वह चीज़ा छड़ के तुहाडे दे उत्ते आ जाएंगे। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, अजकल बंदे की काबिलियत बंदे तो नहीं हैगी, यूट्यूब ते उहदे फॉलोअर किन्ने ने उत्थों उहदी काबिलियत है। तुसी किन्ने ही सियाने हो जाओ, इफ यू आर लिविंग इन एन आइसोलेटेड डेन द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और मेरी एक आखिरी लाइन जड़ी मैं जरूर बोलदा, वेदर यू लाइक इट और नॉट द वर्ल्ड विल कैरी ऑन द वे दे आर डूइंग। जे तुसी अपनी हाजरी लगवानी है आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, तो सानू इस नवे हिसाब किताब के नाल चलना पड़ेगा। और तीसरी चीज मैं आखिरी कहना चाहना जिदे बाद मैं रखांगा, मैनू लग रहा कि तुसी सुनना चाह रहे हो पर हले तक मैनू माहौल ठीक दिख रहा, लेट बहुत हो चुके हैं, मैं भी समझदा और गल्लां दा तां इह समस्या अंत नहीं हुंदा। साडे जिन्ने भी पुराने बुढ़े जदों बाहर जांदे ने, एक बार इस गल नू ध्यान नाल सुनना, यह जरूरी है। साडे जिहड़े पूर्वज साडे तो वड्डे जदों बाहर जांदे ने, उन्हां च दो चीज़ां जरूर होंदियां ने, एक उन्होंने पग जरूर रखी होंदी है, वो धर्म दे असली सानू धर्म दे बंदे दिखदे ने, और दूजा उन्हां नू बाहर दियां भाषावां नहीं आउंदियां। एंड अ वेरी सॉरी सिचुएशन अराइजेज जदों एयरपोर्ट ते बैठे साडे वड्डे पूर्वज लेडीज़ इधर उधर भटकते ने कि यार सानू दस दियो किहड़ा जहाज फड़ना है, क्योंकि उन्होंने पंजाबी तो अलावा कुछ आता नहीं, लेकिन पगड़ी की वजह नाल चुन्नी की वजह नाल पहचान सीधी हो जाती है कि यह सरदार ऐ ही घूमते रहते। इट इज वेरी एम्बेरसिंग एट द वर्ल्ड लैवल एंड द वे वर्ल्ड हैज चेंज्ड। यदा एक बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, मैं सिख फोरम नूं कहांगा, दर्दी साहब ने जिंदगी बड़े उपराले किए, तुसी एक ये उपराला होर कर दियो, अज तुहाडे कोल उन्नी शोहरत और उन्ना इज्जत हैगी है तुहाडे कोल, अजकल तुसी वर्ल्ड दे किसी कॉर्नर तो कोई खर्चा नहीं पैना, वट्सएप ते किसी होर तरीके नाल अप्रोच कर सकते हो। अगर एक 24/7 मैं हरियाणा च 112 का बनाया, जिन्हियां एमरजेंसी कॉल्स ने, मतलब मैं तुहानू अज गरंटी दे रहा अगले 15 दिन होर रुक जाओ, क्योंकि असी एंबूलेंसिस नू कल या परसों च कंबाइन करन चले हां। वैन एवर यू आर इन हरियाणा और जदों भी होवो, तुसी सिर्फ 112 डायल करना है, तुहानू मेडिकल फैसिलिटी चाहिए है, तुहानू फायर की चाहिए है, तुहानू हेल्थ की चाहिए है, तुहानू ट्रैफिक की है, तुहानू वीमेन हेल्पलाइन चाहिए है, कुछ भी सारे नंबर भूल जाओ, 112 करना, सपोर्ट रीचिज यू। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उस परमात्मा अकाल पुरख ने दिता कि साडा एवरेज रिस्पोंस टाइम पूरे प्रदेश के अंदर, मतलब हरियाणा के किसी नुक्कड़ तो भी अगर कॉल आई हैगी है, 24 घंटे च किसी भी टाइम, आवर एवरेज रिस्पोंस टाइम हैज स्टेबलाइज्ड टू 8 minutes and 22 seconds। मैं कहना दर्दी साहब, किते पंजाब दा बंदा फस जाए जिन्हें पगड़ी रखी है या माई जिन्हें सिर दे उत्ते चुन्नी पाई है, वो एक नंबर नू डायल कर सकती है, वो नंबर दी कॉल इत्थे वजेगी 24/7, क्योंकि जहाज ते अमेरिका च जदों रात होएगी साढ़े इत्थे दिन होएगा, वो 24/7 3 शिफ्टां च काम करना है, खर्चा भी बहुत घट है, लेकिन उन्हूं ये पता होवे
कि कोई दिक्कत हैगी है, मैं इस नंबर पर फोन कर सकती हाँ, मैं इस नंबर पर फोन कर सकता। व्हाट्सएप पर गल कर तो बाद तुसी उहदे वास्ते वॉलंटियर बड़े आसानी नाल मिल जाते। हर देश साडे सिख ने जिहड़े मदद देने तैयार होणगे, जिन्हां नूं अपने देश की भाषा आती है, जर्मनी जा रहे हैं जर्मन आती होगी, तुसी उन्हां चो किसी एक वॉलंटियर नूं डाटाबेस चो चकना है, उन्हूं फोन चला जाए, उन्हूं कह भाई तैनू पंजाबी भी आती है, तैनू जर्मन भी आती है, इहदी मदद कर। सिंपल, इट इज़ वेरी ईजी। बस जिहड़ी एक गल है, ओनरशिप चाहिए है कि मैं संकल्प कर लाँ कि मैं अच्छा काम करना चाहना। और ये अगर साड़ियाँ जड़ियाँ बीवियाँ है ने जड़ियाँ वेलियाँ हो गई, मान लो बच्चे तो चले जाते हैं कितने रात को भी, अगर एक शिफ्ट जागना पै जाए, मैं तुम्हें दसा जी कोई मना नहीं करेगा। एंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड यू, मतलब कॉल अगर इतने हैगी है मेरे को, मैं इतों सिंगापुर हूने मिलाना चाहना, तो कॉन्फ्रेंस USA वाले नूं लेना चाहना, इट इज़ जस्ट डन फ्रॉम हेयर। लेकिन करन दी लोड़ है। कई बार सरकारी नौकरी छोड़ दा ये नुकसान थोड़ा जहा हो जाता है, नुकसान नहीं कहांगा, थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है कि असी कई चीज़ा जड़ियाँ करना चाहते हैं वो नहीं हो सकदियां। ये तिना च अगर कुछ भी करना चाहो, मैं तीन चीज़ा कही, जवान पीढ़ी नू सन्मान दो, चाहे उन्हों जिले के लैवल पर दो। ये बच्चे जेडे टॉपर होंगे ने पैसे के भुखे नहीं होंगे, ये तो इज्जत दे भुखे ने, इज्जत असी देंदे नहीं उन्हां नूं। तुसी कदे देख लेना किसी भी गुरुद्वारे च किसी वड्डे फंक्शन च सिर्फ चिट्टियां दाढ़ियां वालियां नूं सम्मान दिता जांदा। क्यों? बीते हुए कल नूं ते आने वाला जिहड़ा कल है उहदा, उहनूं कहिंदे जी पहले ये भी बुढ़ा हो जाए फिर इहनूं भी मिल जूगा, गलत है। दूजा, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, उन्हां च थोड़ा जिहा जोर पाओ, किरत करनी पएगी। उन्हां दी जिंदगी नूं इन्ना आसान ना बनाओ कि वह सोचण भी किरत करन दी लोड़ नहीं है, लेकिन जदों भी लंगर लगे, लंगर च तां 2 मिंट च आ जाण लेकिन बाकी कम्मां च रह जाण। शॉर्ट स्टोरीज़ जिहड़ियां अप्रूव्ड चैनल्स तों टैलीकास्ट होण, 5-5 मिंट की, 3-3 मिंट की, वह दिमाग च स्टिक करती है एकदम। और उन्हूं असी अगर टैलीकास्ट करिए, बड़ा सिंपल तरीका है, टैलीकास्ट का तुसी अप्रूवल ले लो, यू आर अ फ्रंट रनर, तुहाडी एक मार्केट च क्रेडिबिलिटी है, तुसी जिवें ही शुरू करोगे। नाउ दिस परटेन्स ओनली टू रिलीजन, जिहड़ी अच्छी चीज़ आएगी उहदी वेरीफाई किया, और वेरीफाई करन वास्ते अजकल की है, उही वीडियो तुसी 5 अपने सिखां नूं भेज दिओ, वी अप्रूव्ड सोर्स ने, ये अप्रूव कर देण 5 कि ये ठीक है, डन, इट इज़ टैलीकास्टेड, गॉन। और जिहड़ी उत्थों आएगी सारी दुनिया नूं पता होएगा, क्योंकि अजकल और लिमिटेशन टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन खत्म है। तीसरा मैं गल कीती, अगर कोई हेल्पलाइन खोल सको, इहदे नाल जिहड़े साडे सिख बुढ़े बीबियां ते बजुर्ग एयरपोर्टां ते धक्के खांदे ने और बेचारे बेस्ती दे शिकार भी हुंदे ने, साडा मैसेज इह जांदा है कि जिहदे सिर ते पगड़ी है चले सारे निकम्मे ने, इहनां नूं पढ़न लिखणा भी नहीं आउंदा, मैसेज वो जाता है, उन्हों रोको, वो बहुत जरूरी हैगा। मैं माफ़ी चाहवागा जे तुहाडे तो समा ज़्यादा लिया, लेकिन एक गल कह के समाप्ति करना चाहवागा, जेड़ी एक बड़े अच्छे पंजाबी पोएट ने सुरजीत पत्तर जी ने कही और मैनू इन्फ्लुएंस कर दी है, जे आई पतझड़ तां फिर की है, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के कितों लियाना कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो मैं इस उम्मीद दे नाल कि असी अपना अपना काम करिए करांगे ते साकार भी होएगा और अगे भी वधांगे। तुहाडा बहुत शुक्रिया, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।